लोग सरकार चलाए। ये जॉर्ज सोरोस है कौन? कौन है? अमेरिकी अरबपति कारोबारी, इससे भारत का क्या लेना देना? उधर जॉर्ज के बयान पर बीजेपी भड़की, और अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस भी इस बयान से किनारा करते हुए दिखाई दी। एक उद्योगपति राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, विदेशी, तो सवाल यह कि क्या 24 के लिए कुछ रणनीति का ताना बाना विदेश से बुना जा रहा है? बीजेपी इसे विदेशी साजिश बता रही है। मसला अडानी से ही जुड़ा है। बकायदा भाजपा की तरफ से आज मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाला, और सवाल यही खड़ा होने लगा कि देश के भीतर का मामला विदेश में एक उद्योगपति क्यों इतनी जोर से कि पूरे दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दे, चल क्या रहा है? वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि 24 के लिए कांग्रेस भी एजेंडा तय कर चुकी है। तभी तो पार्टी ने देश भर के 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम को घेरने की कोशिश की अडानी के मसले पर। लेकिन आते हैं मूलतः सवाल पर। जॉर्ज सोरोस, उनकी बेकाबू जुबान, उनकी बेकाबू जुबान का मसला है तो वो कहते क्या है, अब मैं वो आपको बताता हूं। और उन्होंने जो कहा, दूसरे वाला प्लीज प्ले करिएगा, उन्होंने ये कहा कि मोदी और अडानी जो है वो करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्लीज दूसरे वाला प्ले करेगा, जिसमें सीधे तौर पर भाग्य जुड़े होने का जिक्र किया है और यह कहा कि अडानी पर स्टॉक हेरफेर के आरोप हैं, उनका स्टॉक रेत महल की तरह ढह गया, मोदी इस मामले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में जवाब देना होगा। अब जॉर्ज सोरोस है कौन, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी अरबपति हैं, कारोबारी, हंगरी मूल के अमेरिकी हैं और अधिनायक वाद के कट्टर विरोधी, वामपंथी एनजीओ की फंडिंग एक मसला है। सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक हैं। अब इसी को भाजपाई आधार बना, कह रहे हैं कि मालदार हैं और फंडिंग हो रही है, इसलिए यह बदनाम करने की साजिश है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब इस पूरे सियासी बवाल के बीच, विदेश से आए इस तूफान के बीच, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अब वो भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट में अदानी के मामले पर सुनवाई हुई। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जी, अदानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हुआ कि एक कमेटी कोर्ट बनाएगा और केंद्र के सुझाव नाम पर सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर एतराज था। केंद्र के नामों से पारदर्शिता की कमी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कहा, और कहा कि आदेश हम सुरक्षित रख रहे हैं और 3 जजों की बेंच आदेश जारी करेगी। समिति के गठन पर 3 जजों की बेंच चर्चा करेगी। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने जब देखा कि तूफान विदेश से आया और भारत से जुड़ा, भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा, तो उसने किनारा कर लिया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला
भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यानी कि किनारा कि हमारा इस पूरे बवाल से कोई लेना देना नहीं। और आगे जयराम रमेश ने कहा कि इसका जॉर्ज सोरस से कोई लेना देना नहीं है, हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारी चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जयराम रमेश कह रहे हैं, यानी कि पूरा बवाल एक के बाद एक घटनाक्रम इस पूरे मामले को लेकर। अब आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी इस पूरे मसले को लेकर सामने आई और इसे देश के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री। मैं हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में, लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़े। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें, वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। तो किसकी साजिश, किसका हाथ और किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट, विदेशी ताकत और फिर उसके बाद सियासत। सियासी घटनाक्रम में रोज एक नया अध्याय जुड़ रहा, रोज वार भी किए जा रहे, पलटवार भी किए जा रहे, लेकिन अब मसला विदेशी ताकत का आ गया। विदेशी ताकत जिसके पास धन की ताकत भी है और वो विदेश से बैठकर देश के प्रधानमंत्री पर सियासी निशाने साध रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे कुछ ही देर में। केसी जैन साहब, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है, तेजसर्रार प्रवक्ता है। अजय अरोड़ा साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय अरोड़ा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। तो जॉर्ज के साथ कांग्रेस का हाथ, जो जिक्र बीजेपी कर रही है, तिलक जी, बीजेपी गलत कर रही है। हमारा जॉर्ज से लेना देना नहीं है और जो हमारे भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध जाएगा, जो उसमें इंटरफेयर करेगा, जो उसमें दखल करेगा, वो कतई भारत के लिए बर्दाश्त नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है। हमने आंतरिक मामले तिलक जी बात उठाई, हमने सदन में वॉकआउट भी किया, चर्चा की बात की, अडानी के मसले में सरकार को घेरा हमने और सरकार से जवाब मांगे, प्रधानमंत्री से जवाब मांगे। लेकिन जो सोरेस का कोई मतलब नहीं है बीच में हमारे इंटरफेयर करने का। भारत खुद सक्षम है और
अगर हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तय करेंगे कि सरकार कौन करेगा। तो अब ये साबित नहीं होता अरोड़ा साहब की मसला पूरा विदेशी ताकत का है, विदेशी साजिश का है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ तिलक जी, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे जी, तो वहां पे प्रधानमंत्री ने सरकार में इंटरफेयर किया था कि अब की बात ट्रंप सरकार, लेकिन वो बात अलग थी। ये बात जो जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान की तख्ता पलट दूंगा, ये हटा दूंगा प्रधानमंत्री को, ये काम हमारा है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम आपस में लड़ लेंगे, हम प्रधानमंत्री से लड़ लेंगे, हम केंद्र सरकार से लड़ लेंगे। कल को बीजेपी ये कहे कि ये जॉर्ज आपको फंडिंग कर रहे हैं, तो नहीं, वो कुछ भी, देखो ऐसा नहीं है, बिना बिना प्रमाण के, सुनिए, मतलब आपने प्रमाण दे दिया कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, हमने का पीछे हाथ रखा हुआ तिलक जी, अडानी के पीछे कंधे पे प्रधानमंत्री जी का हाथ है, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि जो कंधे के पीछे हाथ रखा हुआ है वो हाथ को उठा ले, खत्म कर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तो आपके राज में किसी उद्योगपति के कंधे पर हाथ नहीं होता था? नहीं, रखते थे, डिफॉल्टर के। हाँ, तो ये बोलिए ना, रखते थे ना? नहीं, बिल्कुल रखते थे, बिल्कुल रखते थे, हम डंके की चोट पे कहने रखते थे, लेकिन डिफॉल्टर के हम साथ नहीं है, हम डिफॉल्टर के साथ नहीं है, नीरव मोदी भाग गया, चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, हम भागने वालों के साथ नहीं है। लेकिन आपके इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी व्यवसायी है, जो भी भारत का उद्योगपति है, चाहे पहले था चाहे अब था, सरकार का हस्तक्षेप होता है, लेकिन आंख बंद के दोस्ती करना और इतने 9 सालों में उसकी कहां से कहां पहुंच जाना, उसका पैसा, उसकी उसकी पैसे की वृद्धि होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से। अच्छा, तो मतलब मेन पीड़ा आपकी इस बात की है कि एक उद्योगपति दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया? नहीं, हमारी ये नहीं है, हम तो कहते हैं पहले पे पूछता, हमें कोई इतराज नहीं था, जिस प्रकार से वो डिफॉल्टर हुआ है, 24 से 25 स्थान पे आ गया है, और जिस तरह पता क्या तिलक जी, आप और हम तो डिबेट कर रहे हैं, आपने भी डिबेट की, मैंने भी डिबेट की, लेकिन जिनके साथ बीत रही है, जिनके खून पसीने की कमाई है, जिनका LIC पे, बॉन्ड पे पैसा लगा हुआ है, और जिन्होंने शेयर मार्केट से सब कुछ डूब गया, डूबा एक उद्योगपति की वजह से सब पूरा देश डूब गया, आप मुझे ये बता रहे हैं? पूरा देश नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं, तो आप यही तो बता रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो गया, LIC बोल रहा है, RBI बोल रहा है, वित्त मंत्री कह रही है, तो मैं आपकी बात मान लू क्योंकि 10 जनपद की मोहर है, या फिर मैं RBI की बात मानू? तिलक जी RBI की बात मानिए, हम 10 जनपद की बात नहीं कर रहे, और जब कोई बड़ा जहाज डूबता है और सबको फर्क पड़ता है, पूरे देश को फर्क पड़ता है। ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये जो विदेशी एंगल सामने आ गया, विदेशी एंगल, ये जॉर्ज कौन है और उससे हमारे मसला बीजेपी कांग्रेस नहीं हो गया? अब यहां मसला ये हो गया कि देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री, तो ये जॉर्ज का क्या लेना देना ना? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का ऑडियो। आज ही होंगे कोई जॉर्ज अपने मां बाप के पुत्र, उससे कुछ लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा है ना जी, देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के हैं, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे ही है, वो भी तो 130 करोड़ लोगों का एक संवैधानिक संस्थान है। वहां आज सरकार ने क्या बोला कि जो अडानी की कमेटी से आप जांच कराने की बात कर रहे हो, उनके नाम हम आपको सीलबंद लिफाफे में देंगे। मैं उस पर आ जाऊंगा, लेकिन पहले महाशय जॉर्ज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जॉर्ज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो जहां है वो अपने देश को देखें, हमारे देश को उनको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से बैठ के जो आप लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं ना, तो ये मुंह तोड़ जवाब यहाँ से जाना चाहिए ना, कि कौन है ये जॉर्ज, पैसे से सब कुछ खरीद लेगा क्या? नहीं, क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कोई खरीद सकता है क्या? बिल्कुल सही बात, 1947 में जो हमने आजादी पाई, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की आहुति देकर के ये आजादी पाई है, और हमारे देश की प्रबुद्ध जनता ने इस लोकतंत्र को मजबूत रखा है, जिंदा रखा है। तो मैं उसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि ये बार बार विदेशी एंगल कहां से आ रहा है, अब इसका भी मैं जिक्र करूंगा आगे अरोड़ा साहब से पूछूंगा, लेकिन ये फिर वही बात हुई ना जो बीजेपी कह रही है कि ये तो मतलब विदेशी मसला है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो भी, और अब यहां पर ये जनाब सामने आए। देखिए ऐसा है
कि ये जो जाज सोरोस ने हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना की है या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई टीका टिप्पणी की है, ये सिरे से खारिज करते हैं और सीधा सीधा कहते हैं ये वो देश है जिसने उस जाज पंचम को उसकी औकात बता दी, जिस जाज पंचम के राज में सूरज नहीं डूबता था। तो ये जाज कौन सी चीज है, इस जाज को साइड कर दीजिए। अपने सुप्रीम कोर्ट वाली बात करिए, आता हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले पर भी आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, एक कमेंट, एक मिनट रमेश जी, आप जानते हैं मैं हर पहलू पर चर्चा करता हूँ, मैं बहस के चक्कर में पड़ता ही नहीं। ठीक, तभी मैं चाह रहा था कि पहले मसला जॉर्ज का निपटा लिया जाए, हैं? जो विदेशी कोट पैंट टाई पहन के जनाब जो है इस वक्त कह रहे हैं कि है हिंदुस्तान की ताकत को देखा है, लोकतंत्र को खरीदने चले हैं क्या? धनोज जी, मैं आ रहा हूं केसी जैन साहब आपके पास। धनोज जी, मुझे एक बात समझाइए, अब मसला कोर्ट में भी है, कोर्ट में सुनवाई, याचिका, तमाम पहलू, लेकिन ठीक सत्र से पहले कभी पेगासस, ठीक कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट, और अब जनाब जॉर्ज, ये प्रयोग है, संयोग है, क्या है ये मसला? सब विदेश से तार जुड़ रहे हैं और अरोड़ा जी कह रहे हैं कि हमारा हाथ इनके साथ नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सारे मसलों को देखते हुए मैं दो लाइन से शुरुआत करता हूँ, आपके सवाल भी है, सवाल का जवाब भी है, और मेरी प्रयास रहेगी कि निष्पक्ष जवाब आप तक पहुंचे, आपके जो पाठक है, जो सुनने वाले देखने वाले उन तक पहुंचे। घर लक्ष्य जनहित में हो तो खुद को जिंदा रखना, घर लक्ष्य जनहित में हो तो खुद को जिंदा रखना, कड़ी मशक्कत के बाद फैसला सही और सीधा रख। देखिए सवाल क्या है, आज जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी परिभाषा गढ़ने के लिए लोगों को ना पसीने छूट जाते हैं कि आज जो आधुनिक भारत का जो उज्ज्वलता है, जो कि अंदर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पच नहीं पाता, तो ऐसे लोग, क्योंकि जहाज जब डूबता है ना, जहाज डूबता है उसमें छिद्र होता है तब जाके डूबता है। कोई साजिश अगर हो रही है तो इस साजिश को आप कम मत समझिए, इस भारत को कमजोर करने की साजिश, चाहे वो जो भी कर रहा हो। कौन कर रहा है किस, मैं आप भी समझ गए होंगे, मैं नाम क्यों लूंगा, अगर एक दुश्मन हो तो मैं नाम लू ना, मतलब अभी तो कई ऐसे दुश्मन है। मतलब, आपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना क्या, उन्होंने कहा था मैं अकेला सब पे भारी हूं, इसका अर्थ क्या निकलता है, एक है बाकी सब। तो मैं तो साफ कहता हूं कि बाहरी का सहारा कौन लेता है, जो अंदर कमजोर होते। क्यों, अभी आपके सामने अरोड़ा जी ने भी कहा हमारा कोई मतलब नहीं। अरोड़ा जी का तो देखिए, उसका तो नेचर जो है ना, राजनीतिक नेचर, उनके पार्टी का राजनीतिक नेचर को समझना पड़ेगा। वो पहले इल्जाम लगाते हैं, फिर रिवर्स कर जाते हैं, फिर उनके नेता माफी भी मांग लेते हैं। अभी मैं बोलूंगा तो फिर सभी कहेंगे कि बोल रहा, पूरा भारत देख रहा, विश्व देख रहा है कि बयान पर डटे रहना नेताओं का कर्तव्य होता है, कि मैंने जो बयान दे दिया उसके सबूत है, आई हैव प्रूफ, आई विल शो। लेकिन सवाल होता है कि सिर्फ कह देने से किसी की छवि धूमिल नहीं की जा सकती है। आज आधुनिक भारत में जहां पर एक एक कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा जोर से कोई लेना नहीं, आप खामखा अरोड़ा जी पे चस्पा कर रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं, मैंने क्या कहा आपको, अभी आपके सामने रमेश मोहन श्रीवास्तव ने भी कहा कि जोर से हमारा कोई लेना नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। आप जबरदस्ती, आप कह रहे हैं कि अकेला और सब पे भारी, तो क्यों वो टपक रहे भाई, उनको किसने इनविटेशन दिया है, उनको क्या गवर्नमेंट ने इन्विटेशन दिया है कि आप आइए मेरे विषय बोलिए और मैं सफाई दू, कैबिनेट मंत्री जो है स्मृति ईरानी आके सफाई दे, क्या ये कोई डेटा फिक्स हुआ है क्या? तो सबको पता है अमेरिका के कोई एक मान लीजिए एक्टिविस्ट आके कुछ बोलता है पहले एक उद्योगपति पर, उसके बाद एक जो है उद्योगपति आकर बोलता है। आप ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, पेगासस, ये सब कुछ संजोग नहीं, एक प्रयोग है, सारा का सारा प्रयोग है। उसका एक ही लक्ष्य है, क्या उसका एक ही लक्ष्य है कि किस तरह इस सरकार के मुखिया पर प्रहार किया जाए, उसको परास्त किया जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं जितना मेरे ऊपर प्रहार करोगे उतना मजबूत बनेंगे। सवाल ये भी है कि इन लोगों के प्रहार कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अरोड़ा जी, फिर मैं जैन साहब को पूरा वक्त दूंगा।
पूरा सुना धनोज जी को, और धनोज जी ने भारत के प्रधानमंत्री की बात की, हमारे प्रधानमंत्री की बात की, और हमारे प्रधानमंत्री की जो हम आपस में तो लड़ लेंगे अपना तिलक जी, लेकिन विदेशी कोई बोलेगा वो बर्दाश्त ही होगा, ये धनोज जी सुन ले। और जिस प्रकार के ट्वीट में खंडन क्यों नहीं था, जयराम रमेश जी के ट्वीट में खंडन क्यों नहीं था, मुझे इसी बात का दुख है। मैं आपका ये कैसा विरोध है, ये जॉर्ज को आपने लतारा क्यों नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जयराम रमेश जी इतना मीठा क्यों बोल गए, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आया। मैं तो इंडिया वाइज के माध्यम से कहता हूँ आपसे नम्र निवेदन सुन लीजिए, जयराम रमेश हमें उत्तेजित नहीं होना, हमें उसको थोड़ा सा लतारे, हमें उत्तेजित नहीं होना धनोज जी, आराम से मेरी सुन लो। तिलक जी ने प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया, उसी का उत्तर दे रहा हूँ, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जयराम रमेश जी ने क्या बोला, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी, उन्होंने क्या बोला। तो अगर हम कोई विपक्ष बोल रहा है, अच्छा धनोज जी क्या हमने जो अडानी मामले में बात रखी थी सदन में वो ठीक थी, उसकी आप हमें तारीफ करते हैं निंदा करते हैं, जो अडानी के मसले पे हमने सरकार से सवाल किए। अब क्योंकि जॉर्ज, मैं वापस जॉर्ज पे ही आऊंगा, लेकिन जिस प्रकार जल्दी से प्लीज धनोज जी, फिर जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। धनोज जी आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अडानी ने जो किया क्या हमारा सर्वे बनता था एज ए विपक्ष या नहीं बनता था? तो पहले तो आप ही तो सदन में आवाज उठाए हैं ना जनाब, तो बू तो आएगी ना आपके आपके भाषा से, बू तो आएगी, साजिश की बू आ रही है। हम आपको कैसे कहते सही बोला आपने, एक भी निवेशक कहीं एफआईआर दर्ज किया है क्या, एक भी भारतीय निवेशक कहीं भी एफआईआर दर्ज किया हो तो मुझे बताइए। आपको मैं ज्ञान बढ़ाता हूं, चार याचिकाएं सुन लीजिए, चार याचिकाएं डली हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, और हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, चारों याचिकाएं कोर्ट में है। आप कैसे कहने की हमने बात नहीं की, हमने कोर्ट पे भी की, हमने सदन के पटल पे। आप निवेशक हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप अडानी के निवेशक हैं क्या? नहीं, आप तो लगाया स्टॉक में हेरा फेरी, तो क्या आपके निवेशक में हेरा फेरी? आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका तो नुकसान मुझे पता नहीं कि अडानी से हुआ नहीं हुआ, लेकिन देश को अडानी से नुकसान हुआ है, आपको नहीं हुआ होगा क्योंकि आप बहुत चिंता है, देश का नुकसान हो गया, दिखाइए ना मुझे कहीं से, मैं सबूत मांग रहा हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से, शेयर मार्केट क्या है ना, शेयर से क्या रेट है उनके, उनके शेयर का क्या रेट है, क्या रेट है मुझे बताइए। आपने आवाज उठाकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मुझे स्टैग पर भी आवाज उठाकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हम कैसे विश्वास कर ले? धनोज जी हमने तो यहाँ भी नहीं बोला कि जिस प्रकार से चाइना अंदर घुस गया, हमने तो वो बात भी नहीं कर रहे आज, आज पाकिस्तान की बात ना करें, हम चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान के तो हमने दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान के तुमने दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, आप हमारी बात ना करें। आप तो जब पैदा भी नहीं हुए थे जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, आप तो अभी बाद में पैदा हुए। और जहां तक आपने प्रश्न किया कांग्रेस का, मैं कहता हूं कि हमने कानूनी भी बात की तिलक जी, और सदन के पटल पे भी की है, और हमें संविधान बांग्लादेश बनाने के बजाय संविधान इजाजत देता है, बांग्लादेश बनाने के बजाय हिंदुस्तान में मिला लेते हैं, हमें धनोज जी की इजाजत नहीं चाहिए, डॉक्टर धनोज एक मिनट प्लीज, अरोड़ा साहब प्लीज, हमें धनोज एक मिनट ओके, आप ये कह रहे हैं धनोज जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मत लीजिए ओके, एक मिनट जैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जैन साहब आप जानते हैं मैं आपके पास देरी से क्यों आया, देरी से इसलिए आया क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले विपक्ष ये जॉर्ज है इसका खंडन हो। मैं फिर कह रहा हूं सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल अगर कोई विदेशी उठाएगा वो देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, 130 करोड़ की आवाम के ऊपर सवाल है, और देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे वो नेहरू हो या अटल जी रहे हो, इंदिरा जी रही हो, पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हो या फिर मोदी, वो हमारी आन बान और शान है। बुरा लगे रमेश मोहन जी को तो लगे, बुरा लगे अरोड़ा जी को तो बुरा लगे, लेकिन वो हमारी आन बान और शान से प्रतीक। ठीक, अब जैन साहब मुद्दे पर आते हैं। जी। जो बात रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे थे, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा देश में, क्योंकि चर्चा है तो देश ये भी जाने कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिएगा। जी, कोर्ट में यह हुआ कि अडानी के मामले पर
ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने, और केंद्र के सुझाव नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया, कहा कि नहीं आप नाम मत दीजिए, केंद्र के नामों से पारदर्शिता की कमी रहेगी, यह बात कोर्ट ने कही, तो इसलिए नाम मत दीजिए, और आदेश सुरक्षित रख लिया, और तीन जजों की बेंच आदेश अब जारी करेगी समिति के गठन को लेकर। एक बात जैन साहब जी, हिडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा सीलबंद सुझाव को खारिज कर दिया, क्या यह आपके लिए झटका है कि नहीं? देखिए तिलक जी, पहली बात तो यह है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जी बिल्कुल है, और जब राष्ट्र है तभी हम है, तभी पार्टियां हैं, तभी राजनीति है, और तभी सब कुछ है। तो अडानी पर सवाल क्या, राष्ट्र पर सवाल है क्या? नहीं नहीं, देखिए जिस प्रकार से ये जॉर्ज का जो सवाल उभर के सामने आया है, और सत्ता परिवर्तन प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा करना, तो देखिए कोई भी विदेशी व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा हो, कितनी बड़ी बड़ी ताकत हो उसके पास में, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, बिना कुछ कारण के उसकी टिप्पणियां नहीं आती। क्या कारण? भारत देश के अडानी क्या अमेरिका पे या किसी और जो अन्य देश है, ताकतवर देश है, उनकी जो व्यापारिक नीतियां है वहां पे, उस पर तो टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि वो एक व्यापारी है, लेकिन देश की शासन सत्ता पे सवाल करना किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश पे, ये बिना किसी मिली भगत के, बिना किसी के हस्ताक्षेप, आप ये कह रहे हैं कि जॉर्ज के साथ कांग्रेस का हाथ, आप ये मुझे कह रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और हिडनबर्ग कितनी बड़ी, कितनी पुरानी कंपनी है सबको पता है, उसको लेकर के जिस प्रकार से हो हल्ला किया, और इसको जितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, जितना बढ़ा चढ़ा के कांग्रेस ने पेश किया, उसके बाद में अडानी के शेयर्स और अडानी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको झटका उसके बाद में ही लगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसको पेश किया गया कि नहीं, उसको कांग्रेस ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, सच्ची है, और उससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है, उससे अच्छा कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है। तो आपको पूरा यकीन कैसे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट फेक है? इन्वेस्टर्स का जो विश्वास था जैन साहब, कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद ही डगमगाया। जैन साहब, आपको पूरा यकीन कैसे है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो फेक है? पूरा यकीन कैसे है? देखिए फेक कैसे है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें कितने एम्प्लाई हैं, और आज तक उसने किन किन देशों का इस प्रकार का कंपनियों का सर्वे रिपोर्ट उसने पेश किया, और उसका रिजल्ट क्या रहा? मैं आपकी बात मान गया, मैं जैन साहब मैं नहीं मानता वो विदेशी रिपोर्ट, आपकी बात मान गया, लेकिन मैं कैसे मानूं इस बात को कि उसकी रिपोर्ट झूठी है? जांच तो होनी चाहिए कि नहीं? मैं तो आप ही की बात रख रहा हूं। देखिए तिलक जी, मेरी बात आ जाए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर बात सवाल पे सवाल आ जाते तो जो सवाल का जवाब वो फिर अधूरा रह जाता है, और सर आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, करोड़ों करोड़ जो दर्शक है उन तक फिर बात नहीं पहुंच पाती है। सर आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, मेरा जवाब नहीं आ पाता है। मेरा बहुत कम समय में जवाब दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, आपके सारे सवाल आ गए तो मेरा जवाब सुन लीजिए, जवाब के बाद फिर सवाल करिए आप। देखिए तिलक जी, जहां तक आज की आप कार्रवाई के बारे में पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे को अस्वीकार कर दिया तो कोई झटका है, देखिए कोई झटका नहीं है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट को ये अधिकार है, और साथ ही साथ कोर्ट ने स्वयं इस चीज की जिम्मेदारी ली कि जनता का विश्वास, जनता का भरोसा न्यायिक प्रक्रिया पर और सरकार पर बना रहे, तो सरकार का हस्तक्षेप इस जांच में ना हो, इसलिए कोर्ट ने एक तरीके से एक छोटे से सवाल का जवाब तो कहता हूं। जैन साहब एक छोटा सा सवाल, फिर रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हाथ उठा रहे हैं। सहारा दिया कोर्ट ने, सरकार को सहारा दिया कि उसकी जो छवि है सरकार की पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात मान गया जैन साहब, अच्छा एक मिनट, तो हमारे देश की 140 करोड़ आवाम को यह बताइए कि सरकार क्यों चाहती थी कि जो हम नाम दें उन नामों की ही कमेटी बने?
नहीं नहीं देखिए नाम नाम ऐसा नहीं कि नाम से वितरी ही दिए जाते हैं। और एक चीज है कि तमाम सारा समय नामों के चुनाव में ही चला जाता है। और नहीं तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इन्हें कोई कमेटी में डालो? सुन लीजिए नहीं आप कह रहे ना, आप फिर चाहते क्यों थे कि आप, वो तो कोर्ट तय कर देता, कोई दिक्कत नहीं कमेटी में कौन हो, आप क्यों चाहते थे कि हम जो नाम दें उन नामों की ही कमेटी बने? तिलक जी देखिए क्या होता है कि अब कोर्ट का, अगर कोर्ट कोई सर्वे कराता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर को लेकर के और मस्जिद को लेकर के जो विवाद सामने आया और कोर्ट ने जो सर्वे रिपोर्ट के लिए सर्वे के नियुक्त किया, तो सर्वे का भी एक पैनल होता है ऑलरेडी पहले से। नहीं तो ये अब इसमें वकील है, लिस्टेड है, अब इसमें मंदिर का सर्वे कहां से आ गया? मेरी बात सुन लीजिए ना, एक लिस्ट होती है, वैसे ही सरकार ने एक लिस्ट रखी कि ये लिस्ट है, इसमें उद्योगपति भी है, इसमें कंपनियां भी है और इसमें जांच करने वाली कंपनियां है, इन सारी चीजों में आप चूज कर लीजिए। अगर हमने 50 गांवों की लिस्ट दी और 50 गांवों में 3 नाम आपको चूज करने हैं, सिलेक्ट करने, तो कोर्ट चाहे सिलेक्ट करती है, कोर्ट चाहे स्वीकार कर सकती है। लेकिन नहीं, आपकी सरकार पारदर्शिता वाली सरकार है ना, इसलिए बंद लिफाफे वाली बात नहीं है ना, ये बात इसलिए क्योंकि आपकी सरकार पारदर्शिता वाली सरकार है, तो बंद लिफाफे में क्या है क्या नहीं वो तो जनता को मालूम होना चाहिए ना, कोई आप लोगों का कोई लेना देना थोड़ी ना इसमें। देखिए इसको अगर न्यायालय चाहता तो खुली कोर्ट में पढ़ने के लिए भी आदेश कर सकता था, उसमें कोई बनाई नहीं थी, लेकिन एक कोर्ट की प्रक्रिया है कि जब भी इस तरीके के नाम दिए जाते हैं बंद लिफाफे में ही दिए जाते हैं, और उसको स्वीकार करना ना स्वीकार करना न्यायालय का अधिकार है। ठीक जैन साहब, ओके, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ब्रेक के उस पर आपके पास और अरोड़ा जी आपके पास आऊंगा। विदेशी ताकत का मसला है तो क्या वाकई इस पर सियासत होनी चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द हाजिर हो। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। आ रहा हूं अरोड़ा जी पहले, क्योंकि रमेश मोहन श्रीवास्तव जी लगातार ये कह रहे थे यही सवाल पूछो, लेकिन मेरा एक सवाल इसके साथ जोड़ दीजिएगा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आपसे और अरोड़ा जी आप दोनों से एक ही सवाल है। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक, 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, अब कमेटी बनाने का जिक्र कोर्ट कर रहा है, सरकार ने नाम दिए उसे खारिज कर दिया गया, अब जेपीसी की मांग जायज दिखाई देती है। अभी भी रमेश मोहन श्रीवास्तव जी क्या अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़े? देखिए यही कहना है कि सरकार का हाथ एक उद्योगपति के साथ, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम करने को कोर्ट को मजबूर होना पड़ा। एक बात यही, अगर जेपीसी सरकार बना देती तो कोर्ट तक जाने की नौबत ही नहीं आती। सरकार की ट्रांसपेरेंसी कहां है? वो कह रहे हैं कि ये नाम हम आपको देना चाहते हैं लेकिन सील बंद लिफाफे में देना चाहते। जब किसी दिन पर कमेटी बनाने की बात आई थी तो सरकार अपने नाम प्रस्तावित कर रही थी, अब सरकार प्रस्तावित कर रही तो सील बंद लिफाफे में। यही है कि सरकार का हाथ एक उद्योगपति के साथ। अब तीसरी बात पे आता हूं, कैसे ना कहा जाए सरकार का हाथ एक उद्योगपति के साथ, वो घटना किसको भूलेगी कि ऑस्ट्रेलिया में इसी उद्योगपति को एक कोयला खदान का सौदा होता है, प्रधानमंत्री जी के साथ ये गए हुए थे और तुरंत उसी मीटिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको लोन स्वीकार कर दिया। हम आप एक रमेश जी मैं जैन साहब के पास जाऊं, जवाब ले लीजिएगा। एक सवाल और जोड़ दीजिए मेरा कि क्या आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा है, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपति जहाज में नहीं जाते थे? जाते थे उद्योगपतियों का डेलीगेशन अवश्य जाता है जी। अवश्य जाता है, लेकिन एक तरफ समझौता, एक तरफ समझौता हुआ, दूसरी तरफ लोन मिला कोयले के लिए। और आप सबसे बड़ी बात सुनिए कि आप देश के खजाने को कितना नुकसान कराया जा रहा है। पंजाब सरकार का कोयला उतरता है विशाखापट्टनम में, वहां से रेलगाड़ी से पंजाब आ सकता है, लेकिन कहा क्या जाता है उसको, विशाखापट्टनम से कोयला गुजरात के मुंद्रा पोर्ट होते हैं। जैन साहब जवाब दे लीजिए, फिर आ रहा हूं आड़ो जी। और जो कि महंगा आता है, देखिए जो कि महंगा आता है, पंजाब का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तिलक जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है,
अभी इन्होंने बात बात पर जिक्र किया, हमने चाइना का जिक्र नहीं किया, चाइना ने कब्जा कर लिया, इनको ना तो भारत देश की सैन्य शक्ति पे भरोसा है, ना तो सर्जिकल स्ट्राइक पे इनको भरोसा हुआ, उस पर भी सवाल खड़े करते रहे। जब वैक्सीन आई तो राहुल गांधी जी ने कहा नहीं पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगे, ये वैक्सीन भी फ्रॉड है, इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई, देश के साइंटिस्टों पे भरोसा नहीं है। आरबीआई ने कहा कोई खतरा नहीं है, कोई देश इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे और अडानी के सिर डूबने से कोई खतरा नहीं देश को, उस पर इनको भरोसा नहीं है। एलआईसी ने कह दिया सिर्फ हमारा 1% इन्वेस्ट है 30,000 करोड़, वो भी बढ़ के आज ही 50,000 करोड़ हमको मिल जाएगा अगर आज हम विड्रा करें तो। ये अलग बात है कि 75,000 करोड़ हो गया था, 75 से वापस 50,000 करोड़ पे लौट गया, तो इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। ठीक अरोड़ा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिपोर्ट पूरी पक्की है, पूरी सही है, और अडानी ने पूरे देश को खरीद लिया और जाकर के बेच दिया, ये कहना चाहते हैं, यानी कि जो देश की संविधान है उस पे भरोसा। अरोड़ा जी जल्दी से जवाब दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, भरोसा किस पे है पूरा? सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, पक्की और पुख्ता रिपोर्ट है, बाकी सब कुछ देश के अंदर जो हो रहा है ना सब बेकार है, सब खोखला है, सब जल्दी से अरोड़ा जी, ये कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कह दिया सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट है, कोई खतरा नहीं, और ये भी कहा कि 8 गुना जितना उनका लोन है 8 गुना ज्यादा है, अडानी के पास में है, कोई खतरा नहीं है, तो इसके बाद भी इनको भरोसा नहीं है, सिर्फ एक कंपनी पे भरोसा है और किसी पे इनको भरोसा नहीं। अरोड़ा साहब जल्दी से, प्लीज जल्दी से, हेलो तिलक जी, मेरे मित्र जैन साहब मुझे इस बात पे आ रही थी, अब मैं बारी बारी बात करता हूँ, हिंडनबर्ग से शुरू करता हूं मैं, इनकी बात मान ली, हिंडनबर्ग गलत है मान ली, इनकी बात मान ली, अडानी डूबता झूला मान ली, हमने मान लिया कि अडानी के कंधे पे कर पाए क्या, एक मिनट जैन साहब प्लीज उनको बात तो रखने दीजिए अरोड़ा जी को, प्लीज जल्दी से। हेलो, आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, कितने बुद्धिमान प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं, भाग्यशाली हूँ मैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनकी बात जैन साहब की बात में सम्मिलित हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंडनबर्ग गलत है, मैं कह रहा हूँ अडानी ठीक है, प्रधानमंत्री जी का अडानी के कंधे पे हाथ नहीं है, और मार्केट में नुकसान नहीं हुआ, LIC में नुकसान नहीं हुआ, स्टेट बैंक में नहीं हुआ, और म्यूचुअल फंड में नहीं हुआ, शेयर मार्केट डाउन नहीं हुई, मैं इसकी सारी बात मान रहा हूँ, ना महंगाई बढ़ी, ना बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी मिल गई, किसानों को उनका हक मिल गया, उनकी फसल का मूल्य मिल गया, इन्होंने किसानों को नहीं मारा। हम मुद्दे पे आइए ना सर। हाँ मुद्दे पे आ गया, इनकी सारी बातें मान ली, अभी इन्होंने बातों बातों में उत्तेजित हो गए, इन्होंने चाइना की बात की, हम ये भी मान लेते हैं कि चाइना वाले भारत की सीमा पर नहीं घुसे, मोदी जी ने मार के भगा दिया, हम ये भी मान लेते हैं, तो फिर ये भी ना माने कि नेहरू ने जमीन चीन को दे दी थी। नहीं, ये तो माने ना। तिलक जी जो इतिहास कहता है, हम इतिहास के पन्ने नहीं फाड़ेंगे ना। हाँ, मुद्दे पे आइए ना सर, आप इतनी लंबी भूमिका बना रहे हैं। ये भूमिका इससे बनाए कि बीच में बोल पड़े, मैं तो इनकी सारी बातें मान रहा हूँ, मैं तो इनसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, टू मैन आर्मी है, हमें जैसे हमने JPC की मांग की, आपने प्रश्न किया रमेश जी से कि JPC होनी चाहिए थी, इन्हें क्या दिक्कत थी JPC में, अगर हमने JPC की मांग कर भी दी विपक्ष ने तो कर देनी चाहिए थी। अभी इन्होंने कोरोना के गीत गाए, वैक्सीन के गीत गाए, अरे कोरोना में तो गंगा किनारे लाशें बैठी देखी हमने, गंगा किनारे कोरोना पे पहुंच गए अरोड़ा जी, बोले ना यही बोले बीच में इनको। आप देखिए मैंने बीच में, अब एक मिनट अरोड़ा जी, मैंने रमेश मोहन श्रीवास्तव जी
और अरोड़ा जी आपसे, दोनों से एक सवाल किया डॉक्टर धनोज, मैंने कहा कि कोर्ट पर यकीन है आप दोनों को, है ना अरोड़ा जी? बिल्कुल है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे और धनोज जी मैंने गलत सवाल पूछा कि जब कोर्ट में चार चार याचिकाएं हैं, ठीक, अब कमेटी भी कोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया जी, सरकार के नाम थे वो खारिज हो गए जी, अगर कोर्ट पर यकीन है तो जेपीसी की मांग क्यों आप? नहीं नहीं, मैंने तो एक हमने तो गलत बात की थी पहले से, नहीं डॉक्टर धनोज मैंने गलत कहा? नहीं बिल्कुल सही है, फिर ऐसा है कि सरकार से कहिए वो इस्तीफा दे दे और सरकार के रोजमर्रा का काम भी, नहीं तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, कोर्ट को मानोगे नहीं, आपके पक्ष में फैसला आएगा तो आपका कोर्ट बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो आप कहोगे कि नहीं कोर्ट पूरा हर काम कोर्ट को करना पड़ा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों? सर आप भी तो हर मामले को लेकर कोर्ट में भाग जाते हैं कि नहीं भागते? तो सरकार अपनी मतलब चित मेरी और पट भी मेरी। डॉक्टर धनोज मैंने गलत सवाल किया, इतना भड़क गए रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। रमेश मोहन श्रीवास्तव बड़े भाई को तो बल ही मिलता है कोर्ट से, अभी भी दिल्ली वाला एमसीडी में अभी मुस्कुरा रहे इसलिए क्योंकि कोर्ट ने ही तो सहारा दिया है। लेकिन सवाल क्या होता है, इनके दिखावटी नेचर का है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आवाज नहीं उठाए, आवाज उठाइए, जो जेन्युइन है जहां पर फॉल्टिंग है आवाज उठाइए, लेकिन आप ऐसे आवाज उठाएंगे जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसमें तो इन्हीं को मुंह खानी पड़ेगी ना। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि राहुल गांधी का बयान आना, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आना, उसके बाद एक करके सब कुछ आना, ये क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? क्या इसको रियलिटी कहेंगे? क्यों इसको रियलिटी कहेंगे? क्या क्यों डॉक्टर धनोज ने स्क्रिप्ट लिखी है क्या? नहीं, इसको एक रियलिटी कहेंगे। अगर कोई मान लीजिए निवेशक कहीं पर एफआईआर करता कि हाँ भाई मेरे शेयर के साथ हेर फेर हो गया, पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में एक भी निवेशक मुझे बता दे, ये दोनों भाई एक भी निवेशक ने कहीं पर जाके कंप्लेन किया हो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम या किसी थाने में या किसी क्राइम ब्रांच में? पहले आप फिर रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। मैं कह दूं धनोज जी से बीच में रोकना नहीं चाहता था, जिस तन लाके वो तन जाने, जिस पे बीतती है उसे पता होता है। धनोज जी ने शेयर नहीं खरीदेंगे 3000 रुपए में, जो 3000 से रखे 1100-1800 पे रह गए, इनको निवेश में दिक्कत नहीं आई होगी, इनको LIC से दिक्कत नहीं होगी, ये पैसे वाले हैं, धनवान है, बुद्धिजीवी है। लेकिन जिन निवेशकों की ये बात कर रहे हैं, FIR की बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जो याचिका कर रहे हैं, राजस्थान में क्यों निवेश कराया? 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, वहां पे क्यों निवेश कराया आपने? अच्छा, मैं 60,000 करोड़ रुपए का निवेश है। जैन साहब स्वागत है आपका, जैन साहब स्वागत है, जैन साहब स्वागत है। निवेश कराया वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर दे दो, अरे उत्तर दो, ब्याज समेत करा रहे हैं उनको, क्यों ब्याज समेत ऊपर ना, ब्याज समेत क्यों निवेश करा रहे हैं आपको? तो पहले से पता था, हमने राहुल गांधी को पहले सवाल खड़ा कर रहे थे, उनको तो भविष्यवाणी मालूम थी पहले से, हो गया क्यों निवेश किया? हो गया चांद चांद प्रभु चांद, मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान में आपने 5,000 करोड़ का, हमने तो 10,000 करोड़ का सोचा हुआ था, सुन लीजिए आपकी बात, आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपकी सुन तो लो, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, इतनी संख्या में आपने बताया जितने नंबर्स में, मैं तो डबल निवेश की बात कर रहा था, जब गौतम अदानी डिफॉल्टर नहीं थे, और जैसे तिलक जी ने कहा था कि व्यवसायी उद्योगपति कोई भी सरकार हो वो उनके साथ काम कराते, किसे काम देंगे? हमें नहीं पता था कि पीठ पीछे चुरा घूम गौतम अडानी के आधार पर उनके शेयर गिरते हैं, डिफॉल्टर कहा हो गए वो? अभी डिफॉल्टर नहीं है, उनका पैसा भी वापस करने के लिए तैयार है, आपने हरी झंडी दे दी, उनका पैसा वापस भी ले रहे हैं वो, आपने हरी झंडी दे दी गौतम अडानी, उनका पैसा वापस करने के लिए, आप कोर्ट से बड़े हो, आप कोर्ट से बड़े हो, एक मिनट मुद्दे पे आइए, मुद्दे पर रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइए, कमेटी गठित हुई, एक मिनट जैन साहब एक मिनट, आप होते कौन हो? आप अडानी के पैसे खाए हैं आप पैसे खाते हो, जितनी
तो खत्म हो गए आपके हिसाब से। मजा आ गया, मजा तो आपने खत्म कर दी हमारे खत्म बनाने जितना बात खत्म कर दी खत्म बनाने जितना बात कर दिया आज कैसे टाइम पे खत्म बनाने जितना बात कर दिया भाई आपको भरोसा देख रहे पूरा देख मान ले राहुल आज एक मिनट देख मैं एक मिनट अरोड़ा साहब को मजा आ गया एक मिनट अरोड़ा साहब एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी अच्छा एक मिनट एक मिनट आपको मजा आ गया ना एक मिनट रुके अडानी से पैसे मिले आपको भी एक मिनट सर एक मिनट अब वो बोलेंगे कि जॉर्ज ने फंडिंग किया आपको फिर क्या बोलेंगे एक मिनट रुके ना सर जवाब दूंगा अच्छा उनके पास कुछ है ही नहीं है कोई जवाब नहीं एक मिनट प्लीज रुके ना रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का ऑडियो सिर्फ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी मैंने आपसे सर यही सवाल किया था जी यानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से न्याय की उम्मीद तो है ना आपको अब कि नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी मेरा कहना इतना है कि भाई हर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही पास क्यों जाना पड़े सरकार अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी सर यही आप ये कह रहे हैं मुझे कमेटी के पास इतनी ताकत नहीं कि उस पर एक्शन होगा या सरकार एक्शन लेगी जेपीसी के पास अरे अब कमेटी गठित हो तो रही है सर जी देखिए कमेटी गठित हो रही है अच्छी बात है हाँ। ये भगवान का धन्यवाद है कि देश में सुप्रीम कोर्ट है लेकिन मेरा कहना यह है कि इस मामले पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है सरकार ने संसद का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी और फिर जेपीसी से जांच कराने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि जेपीसी से जांच होती तो उस जेपीसी में विपक्ष के भी सांसद होते सत्ता पक्ष के भी सांसद होते तो जेपीसी हर मामले पर सच्चाई के तहत जा सकती थी लेकिन अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भी यकीन नहीं आपको नहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर यकीन है सर आप सवाल भी उठा रहे हो फिर कह रहे हैं यकीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर ही तो यकीन है साहब आप दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट पर ही तो इस देश को यकीन है सर अभी तो हर चीज के लिए सर होता ही है रमेश जी आपकी पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो आपको लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है ना और फिर अगर नहीं आता तो फिर आप लोकतंत्र का गला घोटने में देर नहीं लगाते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं आप एक बात बता दीजिए कौन से कोर्ट के फैसले हमारे खिलाफ आ गए कोर्ट ने ही तो भाजपा को बारंबार बताया है कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है ठीक डॉक्टर धनोज जल्दी से फाइनल कमेंट आपसे लूंगा जल्दी से डॉक्टर धनोज वक्त नहीं है जल्दी से प्लीज देखिए मैं इनको सुन नहीं पाया लेकिन इनके भावना को मैं समझ गया कि देखिए जो कोर्ट ने साफ कहा है कि हम अपनी तरफ से देंगे मतलब सुरक्षित रखा है क्योंकि पिछले 10 फरवरी को उन्होंने कहा था न्यायाधीश से रिटायर्ड न्यायाधीश से करवाए तो सरकार इसीलिए बंद लिफाफा में नाम ले गए होंगे लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अब पूर्णतः जो कमिटी गठित आपको इतने अंदर की खबर कहां से मिल जाती है अरे मैं पत्रकार भी तो भूल क्यों जाते हैं आप ये क्यों भूल जाते हैं अच्छा क्या पिछला आपने नहीं देखा क्या सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने तो कहा था ना संज्ञान लेते हुए नहीं ये खबरें हमारे तक नहीं आती आप तक पहुंच जाती है क्यों नहीं हम तो सजग रहते हैं आपको भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा एक बार कर लीजिए सर ये नहीं सजग मैं इतना सजग नहीं रहता आपकी तरह नहीं मुझे तो आदत थी है क्योंकि मुझे मोहन भाई जैसे लोगों से अरोड़ा जी से लोगों से अक्सर मुलाकात होता रहता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैठता ही हूँ नहीं मेरे पास ऐसे सूत्र नहीं है जो आपके पास है नहीं नहीं बिल्कुल ये तो आप 10 फरवरी का निकाल लीजिए ना हाँ। उसमें मैं नहीं जाना चाहता मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो भी नाम उस पर फैसला सुरक्षित रख ली तो आपको अभी भी अगर डिबेट में भी कह रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं है तो आपको किस चीज पर विश्वास आप बात बात में क्यों कोर्ट चले जाते सही बात है अरोड़ा साहब बात तो सही कह रहे हैं डॉक्टर धनोज फिर आपको किस पर विश्वास आपको कौन सी व्यवस्था पर मतलब हमें तो आज विश्वास हो गया तिलक जी आपके डिबेट में हमें तो केसी जैन की हर बात पे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन्होंने जो जो कहा हमने सारी बातें मान ली उस पर भी क्रोध कर रहे थे हमें तो हमने अच्छा आप क्रोध मत करिए आप लोग मेरे कार्यक्रम में कम से कम क्रोध मत करिए मैंने तो बड़े प्यार से इनकी हर बात मानी मैंने कहा पूरा देश झूठ बोल रहा है
मोदी सरकार ठीक बोल रही है, एक एक व्यक्ति पूरे देश में भारी एक व्यक्ति ने पूरे देश का नाश कर दिया बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई महंगाई अरोड़ा साहब एक मिनट अरोड़ा साहब महंगाई अरोड़ा साहब प्रधानमंत्री देश का नाश करने अरोड़ा साहब अरोड़ा साहब अध्यादेश का मतलब समझते हैं सर, अध्यादेश का, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे अनुभवी प्रवक्ता हैं, अध्यादेश का मतलब समझते हैं ना? बिल्कुल। अध्यादेश की कॉपी अगर कोई व्यक्ति फाड़ता है जी, तो वो व्यक्ति सरकार से बड़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, आपकी बात सहमत है ना? आप जहां बोलना चाहते हैं। हाँ, तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे आप। ठीक, आप कह रहे हैं ना कोई व्यक्ति सरकार से भी बड़ा है, तो अगर कोई अध्यादेश की कॉपी फाड़ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर वो व्यक्ति सरकार से बड़ा ही होगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक, आप रुक जाइए एक मिनट। जैन साहब लाइव में कमेंट आया कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या अडानी के? देखिए जहां पर देश की बात आती है और जिस प्रकार से जॉर्ज का कमेंट आया है, वो देश पे कमेंट है, वो सिर्फ मोदी जी नहीं पे तो कमेंट फिर सवाल अडानी से देश पर कमेंट सवाल कैसे किस पे आया? सवाल कहां शुरू हुआ? सवाल तो अडानी पर से शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब जो जवाब दिया आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। के नागरिक होने के नाते भी दिया, केसी जैन साहब के प्रवक्ता होने के नाते, केसी जैन साहब, यानी जो आप ही के मुताबिक जो अडानी को लेकर सवाल उठेगा वो राष्ट्र पर सवाल उठेगा? नहीं, देखिए अडानी पे सवाल नहीं है सिर्फ, अगर देश के प्रधानमंत्री पे सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल है, और कोई ये कहे कि हम बदल देंगे वहां पे, वो सरकार बदल देंगे और ऐसे व्यक्ति को बदल देंगे, और विदेश में बैठा है एक व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं है, अगर इस तरीके की टिप्पणियां आती है जैन साहब, इसका मतलब क्या है? ये देश जैन साहब तो क्या है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसी सवाल को मैं लेकर गया था। अगर आप ही की बात मैं मान लेता हूँ, जैन साहब क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक छोटे से सवाल का जवाब, अगर आप जांच के आदेश दे देते, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप जांच के आदेश दे देते तो मामला कोर्ट में जाता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं? नहीं, देखिए विपक्ष को सरकार की किसी भी बात को लेकर के उसको ना तो भरोसा है, ना तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पे व्यवस्था को भरोसा है, ना तो इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है। नहीं, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं, कितनी बार आलोचना कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट की, आलोचना कांग्रेस ने कितनी बार की और कहा कि मोदी जी के हाथ की पुतली बनके रह गया है, उच्च न्यायालय मोदी जी के हाथ की पुतली बनके रह गया है। अगर इस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस की तरफ से ऑडियो सबका नीचे अरोड़ा साहब, आज पता नहीं क्या हुआ आपको, लोकतंत्र की हत्या मालूम है कब हुई थी? लोकतंत्र की हत्या मालूम है ना अरोड़ा साहब, है ना? कोर्ट के दरवाजे बंद किए तो ताला लगा था उस पर, है ना? एक मुकदमा प्रधानमंत्री के खिलाफ दोषी सिद्ध होने के बाद, है ना, लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी, ठीक, जब देश में आपातकाल लगा और इन्होंने तो अघोषित आपातकाल लगा दिया, मतलब हमने तो घोषणा की थी, ठीक, हमने इमरजेंसी घोषणा की थी। ये आपके लिए अगर तमका है, अगर ये आपके लिए तमका है तो इस तमके को आप ताउम्र लगाइए और हटाएंगे भी ना, सर्फ एक्सेल से भी धोएंगे तो वो दाग नहीं धुलेगा। नहीं, इनके पास वॉशिंग मशीन है। अच्छा ठीक है, ओके अरोड़ा साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर धनोज जी आपका भी, चंद्रमोहन जी आपका भी, अरोड़ा साहब, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।